हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो है सबसे बड़े रियलिटी शो के ऊपर, जो पारिवारिक शो है। ऐसा शो बिग बॉस। और जो बिग बॉस का नया वर्जन आ चुका है, बिग बॉस ओटीटी। ओटीटी सब जानते हैं कैसा ओटीटी है। ओटीटी का मतलब होता क्या है? वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सारी हर चीज खुलेआम होती है। बात तो सही है। खुलेआम समझ गए होंगे। तो बिग बॉस ओटीटी में हमारे यूट्यूब कम्युनिटी से फुकरा इंसान, टिकट इंसान के मुझे भाई है, जिनके यूट्यूब चैनल है, जो चैलेंज वीडियोस करते थे, जिनकी तरह मैं वीडियोस बनाता हूँ। आपको पता है वो बिग बॉस में आ चुके हैं। तो अब एक बहुत बड़े यूट्यूबर जानते होंगे आप, सेस्टा एलविश यादव का नाम चल रहा है कि वो बिग बॉस में एंटर करने वाले हैं। शक है अभी, कंफर्म नहीं हुआ वैसे, लेकिन कब शक, कब क्या भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत हिंट दिए हैं, हिंट दे चुके हैं अपने ब्लॉग की क्लिप में, आप देख सकते हैं। मैं तो कल ग्रीस जा रहा हूँ भाई। एक महीने के लिए? हाँ भाई यार, शूट किया ना, तो क्या करे। ग्रीस में ना अपना सिस्टम है, ग्रीस में अपने कई भाई रहते हैं, अपनी 36 बिरादरी रहती है ग्रीस में ना। एक तो रहेगा। हाँ, एक तो रहेगा। तो मेरी मूवी आएगी जो दिख भी जाएगी। सपोर्ट है फिर भाई, सपोर्ट है भाई, बढ़िया। क्योंकि जैसे वो ब्लॉग बता रहे हैं कि हर चीज की, मैं कहीं बॉलीवुड की मूवी मिली है, मुझे कुछ मिली है, मैं कभी कुछ कह रहे हैं, मेरा एक मतलब 32 बरादरी का सपोर्ट मांग रहे हैं। सपोर्ट क्यों मांगते हैं लोग? सपोर्ट इसलिए चीज के लिए मांगते हैं खाली, एक बिग बॉस के लिए बस। और इसमें वोटिंग होती नहीं है, नोटिस में होती, नोटिस हो चुका है, खतरों खिलाड़ी की शूटिंग चल रही है, तो और क्या रह गया, बिग बॉस रह गया। और कह रहे हैं एक महीने के लिए जा रहा हूँ, एक महीने के भाई 36 बरादरी का सपोर्ट है क्या? मुझे सपोर्ट फुल उम्मीद है भाई, फुल सपोर्ट। उम्मीद क्या होता है यार, फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, फुल सपोर्ट है। ठीक है भाई, फुल सपोर्ट होगा, भाई होगा। बिग बॉस एक्सटेंड हो चुका है, जो पहले 6 हफ्ते का था वो अब 8 हफ्ते का हो चुका है। तो अब उनको चाहिए वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो भी चाहिए क्योंकि उनको पता है यूट्यूब कम्युनिटी से जब तक फुकरे इंसान गया है तो क्या उनकी रीच बढ़ गई है। तो पुलिस सुपरस्टार ने वैसे उनकी रेटिंग गिरा दी है, लेकिन वो जो टीआरपी है वो फुकरे इंसान के चक्कर में कितनी ही बढ़ चुकी है, इसलिए उन्होंने सबसे बड़े यूट्यूबर की तरह से बुलाया है एलविश यादव को। तो एलविश यादव को एंट्री मिलने वाली है इस वीकेंड बार के अंदर, इतना कंफर्म हो चुका है। तो आप देखना आप सपोर्ट किसको करोगे, अभिषेक मलान मतलब फुकरा इंसान को या एलविश यादव को, देखते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आप कि आप किसको सपोर्ट करने वाले हो, एलविश यादव को करने वाले हो या फुकरा इंसान को करने वाले हो। और दोनों के दोनों, फुकरा इंसान हो या एलविश यादव हो, दोनों दोनों मेरे फेवरेट है। और सब मतलब कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी से तो विनर इन दोनों से एक ही बनना चाहिए। और आपके ऊपर है आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, दोनों में से बनने इनमें से, क्योंकि बाकी कोई मुझे विनर लगता ही नहीं। एक है पूजा भट्ट, वो कब की हीरोइन है आपको बताया, हमारे जब पापा हमने छोटे थे उस टाइम की, वो बता रहे वो कुछ कर भी नहीं थी, वो बस ज्ञान 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 क्योंकि वो चीज़ चल रही है। और ये हो गया अविनाश, अविनाश का क्या, अविनाश कुछ नहीं कर रहा, उसको तो सलमान खान सर ने दिखा भी दिया उसकी जगह की जनता है वो बस। और एक फलक है, फलक नाथ जो है, उसको बोली जा रही है फुकरा इंसान को बार बार की है वो उसकी मम्मी पापा के बारे में, मतलब परवेश के बारे में जो उन्होंने बात बोली है, मतलब जिसका भाई खुद जेल में रह रहा है, उसको भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है, पहले ये काम कर रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक है मनीषा रानी, मनीषा रानी अच्छा गेम खेल रही है कॉमेडी फिल्म में। और एक बेबी का बता रहा हूँ, ऐसे आती है वीडियो में कान ऐसे फटने को होते हैं, पता नहीं क्या बेबी का पै 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 पै, इसको भी मन बिका लगता है। बाकी जैद है, जैद चलो बाहर गया, वो उतना कुछ कर नहीं रहा। अरे जिया, जिया का इतना कोई बड़ा हुआ गेम है नहीं। और साइरस सर निकल चुके हैं, है ना, जायरस जिया का भैया पलटू पलटू है, कभी अविनाश के पास, कभी अभिषेक के पास, कभी कहीं कभी जैद के पास, उसका बदलता रहता है, उसको कुछ सीन नहीं। बाकी आपके अंदर अभी शायद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, भाई जब भी पता चलेगा। और वो क्या रूप दिखाते हैं अपना, क्योंकि ब्लॉग में तो उनका कभी हंसी का भी रहता है, कभी मजाक का भी रहता है, कभी इमोशनल भी होता है, कभी गुस्से वाला भी होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं यूट्यूबर। कौन है दोनों से, फुकरा इंसान या एलविश यादव में से कौन है, इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री में देखना चाहते हो? मैं तो एक एलविश यादव का कंफर्म हो चुका है, और एक पलक बता रहे हैं जो पहले बिग बॉस में आई थी वो, उसका तो मुझे वो उससे पहले कुछ नहीं कहता, तो अब क्या करेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आया मुझे। बाकी मैं चाहता हूँ पुनीत सुपरस्टार दोबारा है, पुनीत सुपरस्टार को बुला सकते हैं, जैसे उन्होंने एलविश यादव को अप्रोच किया, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे वो आपको आने दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं फ्राइडे को जो शूट होगा वीकेंड का बार का, उसमें शायद एंट्री हो जाए एलविश यादव की, देखते हैं। बाकी जो कोई अपडेट आएगा तो अपडेट आपको देता रहूँगा। उन्होंने स्टोरी भी डाली थी शायद हमने, कि पहले बोले थे वो मुंबई जा रहे हैं, उन्होंने मुंबई की स्टोरी डाली, दिख रही होगी आपको साइड में मुंबई की स्टोरी। उसके बाद उन्होंने दिखाया 7 घंटे में कि मैं पहुंच चुका हूँ ग्रीस। 7 घंटे में ग्रीस कैसे पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते ना। तो उन्होंने बहुत दिमाग से खेला, वो छुपा भी नहीं पा रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे, उनका सीन ये चल रहा है। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कब उनकी एंट्री होगा, आपको इंट्रोड्यूस होता है, क्या हमें रूप देखने को मिलता है। बस तुम्हारा ना स्पोर्ट्स चाहिए, स्पोर्ट पूरे हरियाणा का, पूरे इंडिया का, पूरे ब्रह्मांड का, मुझे स्पोर्ट चाहिए। एलियन भी आके
सपोर्ट करना मुझे, एटलीस्ट हरियाणा पंजाब से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। फिल्म देखना हमारी यार हरियाणा पंजाब वालों, जो मैं बनाने वाला हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किसको सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। कौन सी वाइल्ड कार्ड एंट्री देखना चाहते हो, एक तो अगली शादा पक्की हो चुकी है और एक पलक बता रहे बनाने को मतलब है नहीं आने का सब कुछ। बाकी आप देखो दो तीन पर आप किसको चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप किसको सपोर्ट करोगे दोनों यूट्यूबरों से, एलवी शादा को या फुकरा इंसान को, ठीक है। तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन पर। पैर छोड़े तो ऊपर हो गए नीचे हो गए मतलब है फॉर द मूवी। अब मुलाकात होगी आपसे बहुत टाइम बाद। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। और मैं सब दोस्तों को शेयर करो और लिख दो कमेंट सेक्शन पे जिसको सपोर्ट करना चाहते हो। बाकी सिस्टम का भी हैशटैग चला दो, सिस्टम तो होने वाला है। चलो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर पे जाकर अदरक वाली चाय मांगते हैं, बड़े बड़े कोठी बंगले वाले रिश्तेदारों के सामने, ताकि उनको ये लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाला है। धन्यवाद।